अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं वालेकुम अस्सलाम। जी, रमजान सही जा रहा है आप सबका? यस मैम। अच्छी बात है। मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लास्ट यूनिवर्सिटी लेक्चर? हाँ यस जी, मैम, गूगल यूनिवर्सिटी अलाउ फी वाउचर निकलवाने के लिए तो आने दे रहे हैं। जी आई डोंट नो। आप वैसे तो ऑनलाइन ही ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन ही करा दो। यूनिवर्सिटी आके क्या करते हैं? मैम ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ, अभी तक आया ही नहीं है फी वाउचर और लास्ट डेट आने वाली है। तो आप वो पता कर लो ईमेल करके। इसमें मैंने मेल ड्रॉप की है उधर। हम टीचर्स फिर घर से क्लासेस ले रहे हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी से। ओके हाँ जी बच्चे, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। हाँ जी, बाकी सब आप लोगों ने पढ़ा था? वैसे आपने बस ज्वाइन किया हुआ है लिंक? मैम क्लास का लिंक ही आज मिला, आज पहली क्लास ज्वाइन की है। आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैम मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है। मेरी भी फर्स्ट क्लास है, मुझे भी ग्रुप से लिंक मिला है, मुझे तो एलएमएस में मिल ही नहीं रहा। आप लोग ए सेक्शन में नहीं हो? ओ, सी सेक्शन में नहीं हो? मैम कुछ मैम क्वेश्चन का एप्लीकेशन सॉल्व भी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ वहाँ? मुझे कुछ बच्चों का इशू आ रहा था ना सेक्शन का, तो उनका वो अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ। वो हो जाएगा आज या कल तक। बाकी आप सब लोगों का लिंक जो है एलएमएस पे अवेलेबल है, तो आप सब लोग जो है एलएमएस से अपना लिंक ले सकते हैं क्लास का। जी मैम एलएमएस से लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो यस मैम स्टार्ट करें। यस मैम, जी मैम करते स्टार्ट। लेक्चर लेके सोना है आप लोगों ने जल्दी नो जल्दी। मैम, और फर्दर टू क्लासेस और हैं अभी। नहीं मैम उसके बाद ओके और ओके, क्लासेस नहीं सही। है। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, इट्स ऑल्सो बेसिक टॉपिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इट विल बी एक्ट एज अ रिव्यू, कि मतलब इसमें जो है वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने तब पढ़ी हुई थी लेक्चर में। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट द डीएनए एंड डीएनए स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इट्स अ पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर बेसिकली इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब ये लंबी चेन जब मिलती है डिफरेंट यूनिट्स से मिलके, तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और डीएनए में वो यूनिट्स कौन से होंगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होती है? इट्स कंटेन बेस,
ठीक है, जो एडेनिन थायमिन गवानिन साइटोसिन है, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डीएनए में जो है, जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होती है। सो इसमें जो है डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है उनका एक पॉलीमर है। इट्स फाउंड इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आप सबको पता होगा कि एक तो डीएनए क्रोमोसोम में होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक सेपरेट डीएनए होता है। सो डीएनए फाउंड इन क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर के इट्स अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आप लोगों को पता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी मोनोसैकेराइड है। अब इसके नेम जो है डी ऑक्सीराइबोज शुगर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो रिमूव हुआ हुआ, उसका लॉस हुआ हुआ, इस वजह से ये राइबोज शुगर को हम डी ऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। इसके अलावा एज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, टू डी ऑक्सीराइबोज डेरिवेटिव्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी। व्हाई इंपॉर्टेंट रोल? बिकॉज डी ऑक्सीराइबोज जो है वो ऑब्वियसली डीएनए का पार्ट है, तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये जो है जेनेटिक जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डी ऑक्सीराइबोज। डीएनए मॉलिक्यूल विच इज द मेन रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ डी ऑक्सीराइबोज कंटेनिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, and they are linked via phosphate groups। ठीक है, आप सबको पता है कि जी शुगर मॉलिक्यूल्स और बेस जो है बेस पेयर जब अटैच होते हैं तो वो फिर एक दूसरे के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जिसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से इनमें जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं डीएनए में। अब इसमें जो है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, देयर इज नॉट जो है राइबोज शुगर, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके रिमूवल से, ऑक्सीजन रिमूवल से क्या हुआ, इस पे एक बेनिफिट होता है कि जो है इसके ऑक्सीजन रिमूव होने से डीएनए मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो उसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, एंड सेकेंड जो है वो इसमें जो है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो इजीली बन जाता है कि वो एक दूसरे के अराउंड जो है वो वूंड हो जाती है इजीली। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो है इंपॉर्टेंस है इन द डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर बैकबोन होती है और साथ जो है वो बेस पेयर होती है। बेस पेयर्स जो है आप लोगों को पता है क्या क्या होती है कि एडिनिन थायमिन गवानिन और साइटोसिन जो है वो बेस पेयर्स होती है। इसमें इसके अलावा आरएनए का अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल अटैच होती है। इन बेस पेयर्स को हमने दो में डिवाइड किया होता है, पायरिमिडीन और प्यूरीन रिंग्स। ठीक है, पायरिमिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इनको क्यों हम दो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो जो पायरिमिडीन में डिवाइडेड है बेस पेयर्स वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और जो प्यूरीन्स है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब पायरिमिडीन में कौन कौन सी आती है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये तीनों जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन्स में कौन सी आती है? एडिनिन और गवानिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है और इनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है कि इसमें जो है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है और इसके साथ बेस पेयर अटैच होती है और इसके साथ जो है ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये जो पिंक कलर पिंक से बॉक्स में शो हो रहा है, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप और इसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। और इस लिंकेज के थ्रू जो है इसके डिफरेंट यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं।
This is the same thing that traditionally a DNA sequence is drawn from 5-3 end, और shorthand notation for this sequence is, तो मतलब ये एक sequence show किया गया है जिसमें जो base pairs हैं वो adenine, cytosine, guanine, thymine और adenine show की गई है, क्योंकि इनके साथ ये जो sugar molecule attach है और साथ जो है एक दूसरे से phosphate group के साथ attach है. So this is the structure of DNA. DNA जो है double helix के तौर पे show होता है. This is basically ये picture double helical form में जो है वो show हो रही है. तो DNA का structure भी double helix form में होता है, बिल्कुल इस तरह से. इसके अलावा जो इसका structure जो secondary structure of DNA होते हैं, two anti-parallel polynucleotide chains जो हैं, ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं. फिर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के सराउंड में जो है रैप अप होती हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं. शुगर फॉस्फेट चेन रैप अराउंड द पेरिफेरी. बेसिस जो है एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन और गुआनिन जो है वो कोर में होती है, इंटरनल पार्ट में होती है, ठीक है, और साइड पे जो है इसका शुगर जो है बैकबोन होता है और एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है. और इनमें बेस पेयर्स में आके जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कौन कौन सी होती है, एडेनिन जो है थायमिन के साथ अटैच होती है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ उसकी अटैचमेंट होती है. तो इस तरह से एक दूसरे से अटैच होती है डीएनए के अंदर. और इसके अलावा जो है इसमें बेस पेयर्स जो हैं वो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है एक दूसरे से इसका डबल हेलिक्स जो है वो टुगेदर रहता है, हेल्ड टुगेदर रहता है. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेसिकली? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है इट्स अ केमिकल बॉन्ड इन विच अ हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है. मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक नेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है. वो नेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन बर्निंग में वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है. तो इसमें जो है ऑक्सीजन है, अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. दिस इज द जो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को शो हो रहा होगा कि मतलब उसकी जो इंटरनल साइड है, इनर साइड है, उसमें बेस पेयर्स अटैच है, ठीक है, और बेस पेयर्स जो है आगे फिर कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, और साइड जो है उसमें शुगर मॉलिक्यूल है और वो एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है. इसके अलावा एडिनिन और थायमिन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन जो है उनका लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उनमें तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं. सो साइटोसिन और गुआनिन जो है वो मोस्ट स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू एडेनिन एंड थायमिन. इनमें एक और चीज पाई जाती है बेस पेयर्स में कि ये इनमें एक कैपेसिटी होती है दैट दे कैन बी पाइल अप. पाइल अप मतलब या स्टैकिंग का प्रोसेस क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाते हैं. जैसे हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो पाइल्स सी बन जाती है उनकी, ठीक है. इस तरह से डीएनए के जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है पाइल अप हो जाती हैं. इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टैकिंग कहते हैं. तो ये जो है स्टैकिंग या स्टैक जो है ये हेल्प करती है इसकी जो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग है डीएनए की, उसमें ये हेल्प करती होती है. अब ये स्टैकिंग जो है ये ऑब्वियसली किसी केमिकल इंटरेक्शन की तरफ से, जैसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक दूसरे में, तो इस तरह से इनमें बाकी केमिकल इंटरेक्शंस भी हैं. वो कौन कौन सी? लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वैन डेर वाल्स फोर्सेस. इन फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर इजीली जो है वो पाइल अप हो जाती है. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज बेस स्टैकिंग. ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि डीएनए की जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं, मोस्टली देर आर फॉर्म ऑफ बी डीएनए जो हमारी सेल के अंदर सबसे ज्यादा होता है. लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं सेल में, जैसे अगर सेल में जो है वो वाटर कंटेंट कम हो जाए और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो, तो डीएनए की दूसरी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स भी अपियर होती हैं, ठीक है. उनमें स्लाइट सा डिफरेंस होता है, तो इस वजह से हम उनको तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ डीएनए.
और उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है कि मतलब उनके एक्सिस के वो राइट हैंड में है, सिमेट्री ऑफ एक्सिस में जो है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, या फिर उनका बेस पेयर पर टर्न जो है वो कितने यूनिट्स अटैच होते हैं, उनका साइज क्या होता है, तो ये सारे जो कुछ जो है स्ट्रक्चर इसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो उन चेंजिंग्स बेस पे हम इनको तीन फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा बीटा एंड जी डी एन ए, या फिर ए बी एंड जी डी एन ए इसको कहा जाता है। तो ए डी एन ए जो है राइट हैंडेड होता है, बी डी एन ए भी राइट हैंडेड होता है, और जी डी एन ए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट का क्या मतलब है कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि देयर इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ एवरीथिंग। तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से थोड़ा राइट साइड पे ज्यादा हो तो उसको हम राइट हैंडेड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर टर्न जो है बेसिस जो है या यूनिट्स जो है, 11 यूनिट्स होते हैं ए डी एन ए में पर टर्न के, और बी डी एन ए में 10.4 यूनिट्स होते हैं, और जो जी डी एन ए में है वो 12 यूनिट्स होते हैं। राइस पर बेस पे मतलब जी ए में कितने होते हैं जी बेस पेयर टर्न? मैम ए में बेस पेयर टर्न कितने होते हैं? 11 और मैम मोस्टली से आपने कहा था कौन सा बॉडी में डीएनए ज्यादा होता है? बी डीएनए, बी डीएनए पे। इसके अलावा जो पर डीएनए बिटवीन द बेस पे बेसिस जो है वो डिस्टेंस जो होते हैं वो बेसिकली वो भी डिफरेंट होता है। ए डी एन ए में 0.23 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे होती है हर बेस एक दूसरे से, बी डी एन ए में 0.34 और जी डी एन ए में 0.38 नैनोमीटर। पिच जो है इनकी 2.46 नैनोमीटर, बी डी एन ए में 3.4 और जी डी एन ए में 4.56। डायमीटर, जब ये डबल हेलिक्स बनते हैं तो इनका जो डायमीटर होता है वो भी डिफरेंट होता है, मतलब ए डी एन ए में 2.55 डायमीटर, बी में 2.37 और जी में 1.84। तो डायमीटर से शो हो रहा है कि जो है बी डी एन ए वो मोस्टली स्प्रेड आउट सा होता है, वाइड सा होता है, ए डी एन ए उससे कम, ए डी एन ए ज्यादा वाइड होता है, उसके बाद जी डी एन ए जो है वो उसकी वर्थ कम होती है। ग्लाइकोसिडिक जो है वो लिंकेज इसमें होते हैं, इसमें एंटी ग्लाइकोसिडिक और उसमें भी एंटी, और इसमें अल्टरनेटिंग एंटी और सिंक जो है वो दोनों तरह के होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रूव्स होते हैं, आपको ग्रूव्स के बारे में पता होगा कि ग्रूव हम कहते हैं किसको है, जब कोई स्मूथ सरफेस जो है वो इन अंदर की तरफ जो है वो इमेजिनेट हो, अंदर की तरफ को गई हुई हो, तो उस जो है फॉर्म को ग्रूव्स कहते हैं। तो डीएनए में दो तरह के ग्रूव्स होते हैं, एक मेजर ग्रूव जिसमें वो ज्यादा अंदर को धंसा हुआ होता है और एक माइनर ग्रूव होता है। तो मेजर ग्रूव जो है वो ए डी एन ए में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट होता है और जी में जो है वो एब्सेंट होता है, माइनर सब में प्रेजेंट होता है। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर द सेम जो हमने टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ी है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो या इसको इस फॉर्म में याद कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। सो बी फॉर्म में हम कितने क्या पढ़ा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डी एन ए इन द सेल, इट्स अ राइट हैंडेड हेलिक्स, एवरी टर्न में जो है वो 3.4 नैनोमीटर के ऊपर होता है डिस्टेंस, ईच टर्न कंटेन 10 बेस पेयर्स, इट कंटेन टू ग्रूव्स, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव जो होता है वो वाइड होता है, प्रोवाइड इजी एक्सेस टू बेसिस, और माइनर ग्रूव जो होता है वो नैरो होता है और पुअर एक्सेस प्रोवाइड करता है, बेस पेयर्स पुअरली एक्सेसिबल होती है वहां पे। ए फॉर्म जो है लेस कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ईच टर्न में जो 11 बेस पेयर्स होते हैं, इसमें भी टू ग्रूव्स होते हैं और दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मेजर ग्रूव इसमें जो होता है वेरी डीप एंड नैरो होते हैं, और माइनर ग्रूव वेरी शैलो और वाइड सा होता है। जी फॉर्म जो है इट्स अ रेडिकल चेंज ऑफ पी फॉर्म, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, वेरी एक्सटेंडेड, और इसके अलावा इसमें जो जीसी कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है कि गवानिन और साइटोसिन जो है वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ए और बी फॉर्म के। द शुगर बेस बैकबोन फॉर्म जिगजैग शेप, इसकी शेप जो है थोड़ी जिगजैग होती है, और इसमें जो है द बी एंड जी ट्रांजिशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में प्ले अ रोल इन जीन रेगुलेशन।
दिस इज द सेम थिंग, ठीक है. ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया गया बेसिकली कि उसमें माइनर ग्रुप क्या होता है. माइनर ग्रुप ये देखें, जिसमें कम इमेजिनेशन है वो माइनर ग्रुप है, जो ज्यादा इमेजिनेशन है उसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं. और बेस पेयर का जो है फ्रॉम बेस टू बेस डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और पर टर्न जो है 36 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके जो डायमीटर है वो 20 होता है. दिस इज द बी फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स. आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है क्रोमेटिन फॉर्म के में जो है अपीयर होता है, ठीक है. और जो है इसमें जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो वो मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म होती है क्रोमोसोम पे, जिसमें हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. अदरवाइज ये क्रोमेटिन फॉर्म में जो है वो अपीयर होता है. डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइल्स अराउंड हिस्टोन्स, ठीक है. मतलब इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, आप लोगों का जो है आप लोगों को पता होगा क्या कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. और ये जो प्रोटीन्स है इसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हिस्टोन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होती है, और डीएनए में जो है डीएनए पार्ट में नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के बेस पे जो है डीएनए की कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग बहुत इजीली हो जाती है. डीएनए बाउंड टू हिस्टोन्स फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम. और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और हिस्टोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती है इसको न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं. पहले हमने जो पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है. ये दोनों डिफरेंट है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, then it will be a different term, and if I ask the, about the nucleosome, then it will be a different term. Nucleosomes contain 146 nucleotides, ठीक है. एक nucleosome में 146 nucleotides होते हैं, और उसके surrounding में जो है 8 different histone units में वो attach होते हैं. This is the nucleosome, ठीक है. इसमें ये देखो आप लोग जो है repeating ये units होते हैं nucleosomes. इसके इंटरनल साइड पे जो है वो डीएनए है, और इसके सराउंडिंग में जो है वो हिस्टोन्स रैप अप हुई है. और इसको स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूक्लियोसोम के बारे में है, तो न्यूक्लियोसोम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग. मतलब ठीक है, ये इसकी पैकिंग में हेल्प करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए वुंड इन सीक्वेंस अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन पेयर्स, ठीक है. एक न्यूक्लियोसोम में जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स में वो अटैच होती है, ठीक है. ये बिल्कुल वैसे है कि मतलब सेंटर में कोई एक रैप अप के लिए एक चीज हो और उसके सराउंड में कोई चीज रैप हो रही हो, तो ये मिलके जो है वो थ्रेड लाइक हिस्टोन्स जो है थ्रेड लाइक एक्ट करते हैं. न्यूक्लियोसोम फॉर्म द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटिन, which is used to pack the large eukaryotic genome into the nucleus while still ensuring appropriate access to it. ठीक है, मतलब वही बात कि न्यूक्लियोसोम जो है उसकी पैकिंग में हेल्प करता है, प्रॉपरली उसका कॉइलिंग में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ जो है कि डीएनए एक्सेसिबल भी होता है, ठीक है, ताकि उसकी रेप्लिकेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके. Nucleosomes are thought to carry epigenetically inherited information in the form of covalent modifications of their core histones. क्या मतलब इनमें भी समझा जाता है कि कुछ inheritance का role जो है nucleosomes जो है nucleosome obviously उसमें DNA का part होता है, तो उसमें inherited informations होती है. Nucleosomes position in the genome are not random. ठीक है, मतलब कि nucleosome जो है structure वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये इसके न्यूक्लियोसोम की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, ये रैंडम नहीं होती. इसका प्रॉपरली जो है फंक्शन होता है. और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि न्यूक्लियोसोम जो है वेयर इज लोकेटेड, बिकॉज दिस डिटरमाइंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डीएनए टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स. डीएनए एक्सेसिबल का मतलब क्या है, डीएनए तब ही उसकी रेप्लिकेशन होगी जब उसके ऊपर डिफरेंट वो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेगा. रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी होती है, डिफरेंट एंजाइम्स. तो न्यूक्लियोसोम जहां जहां पे होगा प्रेजेंट वहां वहां पे जो है डीएनए एक्सेसिबल होगा टू द प्रोटीन्स टू द एंजाइम्स, ताकि वो उनकी रेप्लिकेशन कर सके.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। जिस सेंटर में जो है, अगर आप नीचे वाली शेप में देखो, छोटी वाली जो है उसके अंदर डीएनए और साइड पे जो है हिस्टोन्स है, और ऊपर जो है इसका चेंज, इसका 3D व्यू देखा गया है, ठीक है। उसके इंटरनल साइड पे डीएनए, और ये जो H2B H4 H2 H3, ये जो शो किया गया है, हमने क्या कहा था कि डीएनए के पार्ट के जो रैप अप होते हैं उसमें 8 हिस्टोन यूनिट्स मिलके जो है एक न्यूक्लियोसोम में अटैच होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट 8 हिस्टोन यूनिट्स जो कि एक न्यूक्लियोसोम में जो है वो डीएनए के साथ अटैच है, रैप अप है। दिस इज अ सुपर कॉइलिंग टर्म, एग्जाम्पल ऑफ द सुपर कॉइलिंग, ठीक है। कॉइल क्या होती है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और सुपर कॉइलिंग क्या होती है, कॉइल ओवर कॉइल, ठीक है। तो ये जो है सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो कि उसका उसको जो है वो छोटी सी जगह पे जो है इजीली जो है मैनेजेबल करती है। नाउ दीज आर द फंक्शंस और दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर। वही चीजें रिपीट हो रही है इसमें कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 बेसेस, कौन कौन सी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसमें जो है वो, और ये एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं। इट्स थ्रू द 3 to 5 पोजीशन ऑफ एडजेसेंट डीऑक्सीराइबोस मॉइटीज। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 स्ट्रैंड्स बाय पेयरिंग ऑफ बेसेस, ठीक है। मतलब 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इनमें पेयरिंग होती है बेसेस की, एडेनिन थायमिन के साथ पेयर होती है, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच होती है। और ये दोनों जो 2 स्ट्रैंड्स मिलके जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। मोस्टली देयर आर 3×10^9 बेस पेयर्स हैं डीएनए इन ह्यूमंस में, और इसमें जो है टोटल 23 क्रोमोसोम्स में जो है ये सारी प्रेजेंट होती हैं बेसेस। डीएनए प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन and there's maintenance of the genotype or for the transcription of the roughly 30,000 human genes into a variety of RNA molecules. अब सब लोगों को पता है कि DNA के replication किस तरह से होती है, कि DNA जो है unwound होता है, और फिर DNA जो उसका structure होता है वो ऐसे template act करता है। वहाँ पे जो भी information होती है gene के, जिस form gene ने replicate होना, वो information copy होती है to the relevant messenger RNA, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए जो है वो खुद एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं, और उससे जो है मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होती है, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है फर्दर स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसके बनाने में हेल्प आउट करती है। सो डीएनए जो है वो एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द रेप्लिकेशन। जीन्स होती है डीएनए के ऊपर जो एज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट करती है। जीन्स कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, और हर जीन जो है वो स्पेसिफिक होती है टू द स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। मतलब हर जीन जो है, एक जीन एक प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए स्पेसिफिक जीन होगी, और हर जीन एक दूसरे से अपनी ही प्रोटीन बनाएगी, और दूसरी प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले नहीं करती। Genes are made of DNA. The DNA must therefore somehow encode proteins. And properties of protein जो है वो लोगों को पता है कि proteins जो है उसका properly structure होता है, उसमें alpha, beta या 3-dimensional structure होता है, और ये 3-dimensional structure किस तरह से appear होता है, उसके amino acid के attachments के साथ, ठीक है। प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड किस तरह से अटैच होगा वो डिपेंड करता है कि जीन के अंदर जो है हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन थी। तो जैसी जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वो लीनियर स्ट्रक्चर है या कोई और स्ट्रक्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये वही है कि हर जीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है, और हर प्रोटीन बनाने, उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बनने के लिए वही जीन जो है वो ट्रांसलेट होना जरूरी है। मतलब जीन ए ट्रांसलेट होगी तो वो प्रोटीन ए बनाएगी, जीन बी अगर है वो प्रोटीन बी के लिए है, जीन सी है तो वो प्रोटीन सी के लिए है। मतलब ये दो सारी जो है एक ही जीन जो है सारी प्रोटीन नहीं बनाती, हर प्रोटीन के लिए जो है वो स्पेसिफिक जीन है, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए ही यूज होती है। So this is all about the lecture.
if you have any question, you can ask. हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम. हिस्टोन प्रोटीन की कंपोजिशन क्या होती है? जी मैम, हिस्टोन प्रोटीन की कंपोजिशन क्या होती है? बेटा ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ना, पॉजिटिव अमाइनो एसिड, जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, मोस्टली आर्जिनिन. यस मैम. तो उनमें जो है. हाँ जी, मैं पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा था ना कि इसमें मतलब इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है, यानी इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है. नहीं, हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में बात की थी. न्यूक्लियोसोम जो है ना, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है, उसमें तो डीएनए भी है और हिस्टोन्स भी है ना. हाँ जी, तो न्यूक्लियोसोम जो है ऑब्वियसली उसका इनहेरिटेंस में रोल है, क्योंकि उसमें तो डीएनए का पार्ट भी है ना. डीएनए की वजह से इनहेरिटेंस में उसका रोल है. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. अदरवाइज हिस्टोन जो है उनका रोल क्या है, इसकी पैकिंग में हेल्प करता है और इसके स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. Okay, इसकी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है. ओके मैम. हाँ जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? समझ आ गया है? समझ आया ही नहीं है? यस मैम, समझ आ गया. यस मैम. आ गया मैम. यस मैम. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, या नेक्स्ट क्लास के अलावा आप लोग अपने जो है काउंसलिंग आवर्स भी आपके हैं उनको यूज कर सकते हो. तो इसको प्रॉपरली जो है वो पढ़ना, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? और ये टाइम जो है मोस्ट वो है एक्टिव होने वाले, लेकिन आजकल रमजान में सब एक्टिव बिल्कुल नहीं होते इस टाइम पे. तो आप काइंडली थोड़ा सा एक्टिवली होके अपने लेक्चर सुना करो. मुझे पता है कि इसमें मोस्टली लोगों ने जो सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, दे आर नॉट लिस्टिंग एनीथिंग. तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करो और अपना जो है लेक्चर प्रॉपरली सुना करो, ताकि आप लोगों को जो प्रॉपरली उसकी समझ आ जाए. मैम, ये जो हमारी प्रॉब्लम है सेक्शन बी वाली, ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगी? मैम हमें लेक्चर आज या कल तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है मैम, थैंक यू. तो आप लोग अपने लेक्चर्स जो है वो प्रॉपरली लिया करो, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो. मैम ये बस एक्चुअली रमजान की वजह से थोड़ा सा रूटीन ऐसे है, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद इंशाल्लाह सेट हो. ये तो रमजान है, मैं ये तो नहीं कहता कि हमने पढ़ना नहीं है या हमने कोई और काम नहीं करना. हम पढ़ रहे हैं, नो डाउट पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी सुस्ती है ना उस वजह से. ये मैं कह रहा था कि वो इंशाल्लाह रमजान के बाद वो भी रेगुलर हो जाए. ठीक है, तो लेकिन रमजान में एटलीस्ट जो आप लोगों के लेक्चर हो रहे हैं उनको साथ साथ आप लोग एक दफा रिवाइज करते जाओ, ताकि आप लोगों को बाद में इशू ना हो. इससे अपनी असेसमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे, तो इसको प्रॉपरली जो है वो आप लोग पढ़ा करो अपने लेक्चर्स. ठीक है, आप लोगों के लेक्चर्स इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं वो LMS पे अपलोड कर दूंगी. आप लोग LMS से जो है वो अपने लेक्चर्स और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, और बाकी आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आप लोगों की जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाती है. ठीक है, जूम में जो रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं वहां से ले लूंगी. उसमें आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होती है कि आपने कितने देर के लिए जो है अपना लेक्चर ज्वाइन किया है और कितनी देर में नहीं. अगर लेस देन 10 मिनट में कोई होगा तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट थिंग. तो आप लोग प्रॉपरली अपना लेक्चर लिया करो. ठीक है, ओके मैम. ओके मैम. नेक्स्ट लेक्चर कब है आप लोगों का? नेक्स्ट लॉट में कौन सा लेक्चर है? मैम एक पेशेंट सर्जरी की क्लास है, उसके बाद फार्माकोलॉजी का है.
फार्माकोलॉजी का एम है। कितने कितने लेक्चर्स होते हैं आपके आज? ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लीव करते हैं। नो मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।